इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मदर नाइन प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो पैसा कमाना चाहते हैं। आप भी पैसा कमा सकते हैं। हम बताएंगे कि आप किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। आपसे एक सवाल है, इस दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आसानी से करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है और दुनिया के 80% से भी अधिक करोड़पति अरबपति हैं, पैसा कमाकर करोड़पति अरबपति बने हैं। बहुत तेजी से पैसा बढ़ता है जिसे हम ROI कहते हैं। आगे हम समझेंगे ROI का मतलब क्या है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनमें हम अलग अलग विषय पर वीडियो बनाएंगे, आप लोगों के सामने रखें। अब इस समय इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा ही पैसा है और आप अपना घर लेना चाहते हैं तो आप अपना घर ले सकते हैं। वो बिजनेस है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ROI बहुत हाई होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत स्पीड में आपका पैसा बढ़ता है। आइए रियल एस्टेट के इन 5 पॉइंटों को समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI। इसमें ये 5 जो पॉइंट हैं, नंबर 1 इंस्टेंटेनियस इक्विटी, कैश फ्लो पॉजिटिव, एनहेंस्ड एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन लेवरेज। इसमें जो 5वां पॉइंट है लेवरेज, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हमें ठीक से समझना होगा। सबसे पहले समझते हैं इंस्टेंटेनियस इक्विटी क्या है। 1 करोड़ रुपए का घर कहीं सेल हो रहा है, जो व्यक्ति सेल कर रहा है और वो इस घर को सस्ते में बेचना चाहता है। घर की कीमत 1 करोड़ रुपए है और आपने उसे नेगोशिएट करके मालिक से खरीद लिया 75 लाख रुपए में, तो 1 करोड़ जो घर की कीमत है आपने 75 लाख का खरीदा है और 25 लाख रुपए का इसमें जो आपको फायदा हुआ है, ये इंस्टेंटेनियस इक्विटी है, ये तुरंत लाभ है आपको इस घर पर, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस इक्विटी। नंबर 2 जो पॉइंट है कैश फ्लो पॉजिटिव। अब इस घर को जो आपने 1 करोड़ रुपए का खरीदा है, इसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया, जो पर ईयर कम से कम 2-4% आपको बेनिफिट आता है। सपोज ये घर 1 करोड़ रुपए का आपने 35,000 या 30,000 में चढ़ा दिया, तो ये आपको कैश फ्लो पॉजिटिव है, ये लगातार आपको इनकम हो रही है। नंबर 3 पॉइंट है एनहेंस्ड एप्रिसिएशन। अब इस 1 करोड़ रुपए के घर को आपने देखा, ये 3 BHK और इसमें काफी स्पेस है, मैं एक रूम और बना सकता हूँ, अच्छी तरह से रिनोवेट करके पेंट करके और इसे अच्छा कर सकता हूँ, तो आपने 3 BHK को और ज्यादा मॉडिफाइड करके 4 BHK बना दिया और इसको अच्छी तरह से रिनोवेट कर दिया, जहाँ खिड़की लगानी है खिड़की हवादार बहुत शानदार कर दिया, तो इसकी जो 1 करोड़ रुपए की जो वैल्यू है वो 10-20% और बढ़ गई। अब ये 1 करोड़ 20 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का हो सकता है, जो वैल्यू है आपने बढ़ा दी, इसको बोलेंगे एनहेंस्ड एप्रिसिएशन। अब 4 जो पॉइंट है एप्रिसिएशन, आपका जो ये जो घर है जो 1 करोड़ रुपए का है, ये हर साल जो वैल्यू बढ़ती है पर ईयर कम से कम 10% होती ही है, तो इस पर जो हर साल जो इस घर की जो वैल्यू बढ़ रही है उसको बोलेंगे एप्रिसिएशन। 5वां पॉइंट है लेवरेज। लेवरेज मेक्स मिलेनियर्स। अब हम बैंक के पास जाते हैं, 1 करोड़ हमारे पास कैश है लेकिन हम फिर भी बैंक के पास जाते हैं और बैंक को बोलते हैं, भाई ये 1 करोड़ रुपए का घर है और आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, तो बैंक से बोलते 20 लाख रुपए खुद खर्च कर सकता हूँ और ये घर मुझे 1 करोड़ रुपए का खरीदना है, आप मेरा प्रोफाइल चेक कर लीजिए, क्या मुझे इसमें 80 लाख रुपए लोन मिलेगा। बैंक प्रोफाइल चेक करने के बाद एग्री हो जाता है कि ठीक है हम आपको 80 लाख रुपए देंगे, आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है। आप बैंक से कहते हैं कि मैं 5 घर ऐसे 1-1 करोड़ के खरीदना चाहता हूँ जिसमें 20 लाख रुपए मैं दूंगा और 80 लाख आप देंगे और मैं सभी की किस्त आसानी से चुका सकता हूँ, आप मेरा प्रोफाइल देख लीजिए, और बैंक आपको 5 घर खरीदने के लिए 20-20 लाख रुपए दे देता है। साल वही है, डिसीजन आप अभी ले रहे हैं, ये सिर्फ निर्णय का है कि आप निर्णय कब क्या ले रहे हैं। आपके पास 1 करोड़ रुपए थे, अगर आप 1 करोड़ रुपए में घर खरीद लेते तो वो 2-3 करोड़ का ही होता, लेकिन आपने क्या किया कि आपने 1 करोड़ रुपए में 20 लाख अपनी तरफ से दिए, 80 लाख रुपए बैंक से लिए और 5 घरों का सौदा कर लिया, और 5 घरों का सौदा करने के बाद आपको प्रॉफिट क्या होगा,
अब देखिए, यूजिंग लोन आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद क्या आरओआई आएगा। 20-20 लाख रुपए हर घर में आपने दिए और बैंक ने हर घर के अंदर 80 लाख रुपए दिए। आफ्टर 10 ईयर आरओआई 10% पर ईयर, हर घर पर आपको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 5 घरों पे 50 लाख मिले, आपके पास कितना था, 1 करोड़ रुपया, तो आपको 50% का प्रॉफिट हुआ। ये ताकत है लेवरेज। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखो, आपने 20 लाख रुपए लगाए थे, 80 बैंक ने दिए, किस्त पूरी हो गई, आपको 10 साल के बाद जो प्रॉफिट हुआ 20 लाख लगाने पर 11.5 CR का हो गया। आप इसे कैलकुलेट कर लेना, टोटल जो आपको रिकवरी होती है 11.5 CR की 10 साल के बाद, और घर खरीदे आपने 5, 10 साल के बाद वो होते हैं 11.5 × 5, 57.5 CR टोटल आपको प्रॉफिट होता है, टोटल आपको रिटर्न मिलता है, ROI मिलता है। 5 घरों पर आपको 10 साल के अंदर 57.5 CR, 50% का प्रॉफिट किसी भी ना बिजनेस में होता है ना किसी बैंक में होता है। ये लेवरेज की ताकत है। आपके पास जो 1 CR था उसका ROI 10 साल में 57.5 CR होगा। अलग से एक और वीडियो बना देंगे, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ये लेवरेज की ताकत को आपने इसमें आज समझा। रियल एस्टेट विदाउट मनी, इस टॉपिक पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और उस अभी आपने इन 5 पॉइंटों को समझा कि आपने जो घर खरीदा था वो तो अलग प्रॉफिट था ही 57.5 CR, इसके अलावा ये जो इंस्टेंटेनियस इक्विटी, कैश फ्लो पॉजिटिव, एनहेंस्ड एप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, ये अलग से प्रॉफिट था जिसे हमने जोड़ा ही नहीं है। थैंक यू।